सर ये रहा आपका पार्सल। हाँ अरे लाओ भाई पार्सल। अरे तुम ऐसे मुंह छिपा के क्यों खड़ी हो, लाओ मेरे पार्सल दो। सर बस ऐसे ही। अरे कुछ तो बात है, कोई घबराने वाली बात है, परेशानी वाली बात है, मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं नहीं सर ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप अपना ऑर्डर रख लीजिए। अरे आप बात ही नहीं मान रही हो, एक तो मुंह घुमा के खड़ी हो, अब आप बताओ आपको मैं पैसे कैसे दूंगा। सर ऐसे दे दीजिए ना पैसे। कुछ तो बात है जो तुम मुझे छिपा रही हो, कहीं ऑर्डर में कोई दिक्कत तो नहीं, अभी चेक करता हूँ। नहीं नहीं सर ऑर्डर में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चेक कर लीजिए। अरे तो फिर अपना चेहरा दिखाओ, प्रॉब्लम क्या है। सर बताया तो आपको ऐसे ही। देखो मुझे तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लग रही है, अगर तुमने अपना चेहरा नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। सर प्लीज पैसे दे दीजिए ना। अरे नहीं नहीं मैं पैसे देने वाला नहीं है, अगर तुम अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाओगे तो मैं कोई तुम्हें पैसा नहीं देने वाला। और मैं पैसे क्यों दूं, अरे मुझे तो पता चलना चाहिए कि मैं जिसको पैसे दे रहा हूँ उसको कम से कम देखूं तो, मैं किसको पैसे दे दे रहा हूँ ऐसे में, कल को कोई बात हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं क्या बोलूंगा। नहीं नहीं सर प्लीज आप मेरे साथ ऐसे मत कीजिए, पैसे दे दीजिए प्लीज। देखो मैं तीन तक गिनूंगा, अगर तुमने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया तो मैं गेट बंद कर लूंगा, फिर मुझे कोई पैसे वैसे नहीं देने हैं। एक दो। अरे अमायरा तुम यहाँ पे। नमस्ते सर। नमस्ते, लेकिन तुम ये डिलीवरी वाला काम क्यों कर रही हो। एक काम करो तुम अंदर आओ, बैठ के बात करते हैं। हमारा तुम तो पढ़ने में हमेशा बहुत अच्छी रही हो और पिछले 2 साल से कॉलेज में टॉप भी कर रही हो, लेकिन इस बार मैंने नोटिस किया तुम्हारा कुछ पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान हट जा रहा है और तुम ये डिलीवरी वाली जॉब भी करने लग गए, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या मैं जान सकता हूँ। सर मजबूरी है इसीलिए। अरे क्या हो गया ऐसा बताओगी। सर वो पापा की ना जॉब चली गई है और वो इस टाइम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे इतनी भी ज़्यादा सैलरी नहीं है कि जिससे वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा सके, बहुत मुश्किल से ही हमारे ना घर का खर्चा निकल रहा है और फिर मेरी पढ़ाई भी कैसे कर पाते वो, मुझे पढ़ना है आगे इसीलिए मैं ना जॉब भी कर रही हूँ। अरे अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बताती, ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें। सर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे कॉलेज में और मेरे फ्रेंड्स को ये बात पता चले कि मैं ये जॉब कर रही हूँ, नहीं तो मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। अरे क्या मजाक उड़ाएंगे, तुम इतनी टैलेंटेड हो, लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे, तुम हमेशा से टॉप करती आई हो, अगर लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, और तुम सोच रही हो कि वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसके बाद भी अगर वो लोग मजाक उड़ाते हैं तो बनाने दो मजाक, तुम्हारा इसमें तो कुछ नहीं जा रहा है, तुम अपनी मेहनत करो, जो भी तुम कर रही हो अपनी मेहनत का कर रही हो। सर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये बात ज्यादा फैले। अच्छा तुम ये चाहती हो कि ये बात किसी को पता ना चले, तुम ना मेरी एक बात का जवाब दो, आज तुम मेरे घर पे आई हो, मान लो कल को तुम्हें अपने फ्रेंड के यहाँ पे जाना पड़ गया तो ये बात तो सबको पता चलेगी, और जब किसी को कल पता चलना है तो आज पता चल जाता है, इसमें बुराई क्या है, तुम तो अपनी मेहनत का सब कुछ कर रही हो। क्या कर सकते हैं सर, मजबूरी है और पढ़ना भी तो है। अच्छा तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए और नौकरी भी तुम पढ़ाई के लिए कर रही हो, तो ऐसा करते हैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं देख लूंगा, और रही बात कोचिंग की तो कोचिंग के लिए भी तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगा, अब तो तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई ना और ये जॉब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सर आप मुझे पढ़ाओगे। हाँ हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा, और भला कौन पढ़ाएगा, इस यूपी में नाम चलता है मेरा, बहुत बड़ा प्रोफेशनल टीचर हूँ मैं, कौन पढ़ाएगा तुम्हें बताओ। अच्छा सर आप सिर्फ अच्छे टीचर नहीं बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जो आपने इस गरीब की मदद की, मैं आपका ये एहसान ना कभी नहीं भूलूंगी। अरे थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, यू आर सच ए गुड स्टूडेंट, और हाँ अभी इस जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है, कल से तुम मेरे पास कोचिंग के लिए आना, और हाँ मैं तुम्हारे ऑर्डर के पैसे देता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट ऑर्डर है, मैं नहीं चाहता है कि पैसे की वजह से कोई भी स्टूडेंट अपने रास्ते से भटके, तुम्हें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, चलो मैं पैसे लेके आता हूँ।